जय श्री राम फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश किचन और आज मैं बना रहा हूं शंगोले। शंगोले बनाने के लिए मैंने यहां पे एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है और एक कटोरी मैंने बेसन लिया है और एक कटोरी मैंने ज्वारी का आटा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक टोपला लेंगे और इसमें हम सबसे पहले ज्वारी का आटा डालेंगे, उसके बाद हम इसमें बेसन मिक्स कर देंगे और यहाँ पे गेहूं का आटा। हमने तीनों भी चीजें एक एक कटोरी ली है फ्रेंड्स। हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ ही में इसमें हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ही डालना है क्योंकि बाद में नमक डालना है अपने को। मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें अब इसको पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। इसमें हमने अदरक लहसुन पेस्ट नहीं डाला था, हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे एक चम्मच के करीब। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। हमें इसको आटे की तरह इसको आटा बनाना है इसका। हम रोटियां बनाने के लिए आटा बनाते हैं वैसे ही इस तरीके से बनाना है। हम थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके आटा बनाएंगे इसका। मैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आटा बन गया हमारा। अब इसको हम 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसा रख देंगे। पांच से दस मिनट तक इसको रखना है ऐसा ही फ्रेंड्स। हमने गैस पे कड़ी रख दी है, हम गैस को कर देते हैं ऑन। हम कड़ी को थोड़ा सा गर्म होने तक वेट करेंगे। फ्रेंड्स हमारी कढ़ी गर्म हो गई है तो अब इसमें हम 2.5 चम्मच तेल डाल देंगे। थोड़ा सा तेल गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स तेल गर्म हो गया है थोड़ा सा तो अब इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। मेरे पास खारा नहीं था, थोड़ा सा सूखा था तो वही डाल दिया मैंने। और 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे जीरा डाल रहा हूँ। जीरे को अच्छी तरह से तड़कते देना है।
और इसमें मैं थोड़ा सा राई डाल रहा हूँ आधा चम्मच, हमारा जीरा और राई अच्छे से तड़कने लगा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक चम्मच में धनिया पाउडर डाल रहा हूँ और एक चम्मच में लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच मसाला। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, हमें पानी मैंने एक तांबे लिया था, अब आधा लेना है, मतलब डेढ़ तांबे हमें पानी डालना है। फ्रेंड्स इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। हमने शंगोली बनाने के लिए आटे में भी नमक डाला है, तो आप इसमें हम थोड़ा ही नमक यूज करेंगे। अब इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। फ्रेंड्स हम एक बार आटे को अच्छे तरह से फिर से चूर लेंगे। हमने आटा अच्छे से इसे चूर के लिया है, अब इसके हमें गोल गोल गोली बनानी है। फ्रेंड्स हमें आटे को इस तरीके से गोली बना के लेना है और ऐसे ही इस तरीके से प्रेस करके इस तरीके से बना के लेना है। इस तरीके से सेक देना है। सकते इस तरीके से बना के लेना है हमें। फ्रेंड्स पानी को उबाल आने लगी है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने चंगुड़ी बना के लिए है। अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार जरूर बना के देखना रेसिपी। हम गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम पर करेंगे। अब इसमें जो बचे वाले हैं वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से उबाल आने तक इसको पकने देंगे। हमने गैस को फुल कर दिया है, अब इसको कम से कम 20 मिनट तक इसको पकने देना है। देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से उबाल आने लगी है। हम थोड़ा सा इसको पलटा के लेंगे।
अब इसको हमें कम से कम 20 मिनट तक पकाना है इसी तरीके से। फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। बीच बीच में ध्यान देना इसको पानी बाहर ना निकले। हम इसको इस तरह से लेंगे। हमें थोड़ा और पकाना है इसको। फ्रेंड्स हम इसको अब अच्छी तरह से पलटा के लेंगे। ये थोड़ा सा नॉर्मली सा पक गया है तो हम इसको पलटा सकते हैं। देख सकते हैं आप टूट नहीं रहे। अब इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका पानी सूखने लगा है। फ्रेंड्स मेरी चंगुली रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी है। इसको हम फिर से एक बार पलटा के लेंगे। बीच बीच में पलटा के लेना जरूरी है नहीं तो ऊपर के कच्चे रहेंगे और नीचे के पक जाएंगे, तो इसलिए बीच बीच में पलटा के रहना। फ्रेंड्स हमारी चंगुली देख सकते हैं रेडी हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं चेक करेंगे एक बार। देख सकते हैं अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब इसका हम गैस को कर देते हैं बंद। अब फ्रेंड्स ऊपर से हम क्या करेंगे हरा धनिया डाल देंगे। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। तो अगली नई रेसिपी के लिए मिलते हैं। बाय बाय।